हेलो दोस्तों। और वर्क इज जनरली टू इम्प्रूव द अपियरेंस। पॉइंट ब्रिक वर्क एंड सम मेसनरी शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल एज द रैकिंग ऑफ जॉइंट इज जनरली अननेसेसरी अनडिजायरेबल। फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ। वर्क इज जनरली टू इम्प्रूव द अपियरेंस। पॉइंट ब्रिक वर्क एंड सम मेसनरी should be avoided as much as possible as the breaking of joint is generally undesirable। ये डिफिनेशन इसका है। अब पॉइंटिंग बताता हूँ होता क्या है। पॉइंटिंग जो होता है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं एक मतलब उसमें मसाला जब हम ईट का ब्रिक का जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं एक दूसरे को जॉइंट में जब मिलाते हैं तो उसमें जो मसाला जो होता है उसमें मोर्टार मिला के जो एक दूसरे को ऐड करते हैं एक एक के ऊपर एक लेयर ऐड करते हैं तो बीच में जो देख कभी कभी देखते हैं बीच बीच में गैप रह जाता है तो उस गैप को कर भरने को कहते हैं पॉइंटिंग। उसमें ऐसा कि कुछ जगह गैप रह जाते हैं हल्का सा तो उसको अगर हम उस जगह को अगर हम भरेंगे तो उसको बोलेंगे उसी को बोलते हैं पॉइंटिंग ब्रिक पॉइंटिंग। अब आता है टाइप ऑफ पॉइंटिंग क्या चीज़ होता है। टाइप ऑफ पॉइंटिंग पहला है फ्लश पॉइंटिंग, दूसरा है प्रोट्रूडिंग पॉइंटिंग और रेस्ड एंड कट पॉइंटिंग। प्रोट्रूडिंग पॉइंटिंग का है स्पेलिंग है PROTRUDING पॉइंटिंग और रेस्ड एंड कट पॉइंटिंग। तीसरा है स्लैंटिंग पॉइंटिंग स्टक एंड वेदर पॉइंटिंग तीसरा है। और चौथा है रिकीज्ड और रूलिंग पॉइंटिंग। रिकीज का स्पेलिंग है RECEESSED और रूलिंग पॉइंटिंग। तो दोस्तों पहला फ्लश पॉइंटिंग का फिगर आप देख लीजिए। फ्लश पॉइंटिंग का फिगर किस तरह का है। पहले इसके एक ब्रिक बनाएंगे यहाँ पर फिर बैच हल्का सा बीच में गैप छोड़ेंगे फिर ये लाइन खींच देंगे। ये फ्लश पॉइंटिंग का फिगर है। अब इसका भी थोड़ा सा डिफाइन देख लीजिए इंग्लिश में। दिस इज द पॉइंटिंग मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज पॉइंटिंग का स्पेलिंग ESTENSIVELY यूज पॉइंटिंग इवन थो दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव इट इज मोर ड्यूरेबल देन अदर्स एंड डज नॉट प्रोवाइड स्पेस फॉर डस्ट कलेक्शन। मतलब फ्लश पॉइंटिंग ऐसा होता है कि ये बाकी जो औरों से काफ़ी मजबूत होता है और उसमें डग ऐसा उसको बनाते हैं कि इसमें डस्ट वगैरह जो है धूल मिट्टी वगैरह इसमें कलेक्ट नहीं हो पाता है तो ये फ्लश पॉइंटिंग हो गया। दूसरा है प्रोट्रूजिंग पॉइंटिंग और रेज्ड एंड कट पॉइंटिंग। इसका डिफिनेशन है अरेज्ड बैंड ऑफ 6 mm विद विर्थ ऑफ 10 mm। विर्थ मतलब होता है चौड़ाई विर्थ ऑफ 10 mm इज प्रोवाइडिंग इन द टाइप ऑफ पॉइंटिंग। तो बेसिकली इसका डिफिनेशन है 6 mm विथ विद विथ 10 mm 6 mm इसका 6 mm ये बॉन्ड प्रोवाइड करता है एक दूसरे को जोड़ते हैं 6 mm जो होता है और इसकी चौड़ाई जो होती है 10 mm की होती है उसी को हम बोलते हैं प्रोट्रूजिंग पॉइंटिंग और रेज एंड कट पॉइंटिंग इसी को बोलते हैं। तो रेज एंड कट पॉइंटिंग का फिगर ये देखिए दूसरे का फिगर ये है यही है। पहले इसके एक ब्रिक बनाएंगे फिर ये बीच में फिर ये इसको जो ये कलर करेंगे ये करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा यहाँ से करके एक दूसरे ब्रिक को जोड़ देंगे। ये हो गया रेज एंड कट पॉइंटिंग हो गया। अब तीसरा है स्लेंटिंग पॉइंटिंग स्टक एंड वेदर पॉइंटिंग। तीसरा मतलब कह रहा है कि स्टक मतलब एक दूसरे का जुड़ाव उसको कहते हैं स्लेंटिंग पॉइंटिंग स्टक एंड वेदर पॉइंटिंग। ये तीसरा पॉइंट है। इसका फिगर देख लीजिए इसमें तीन ब्रिक का लेयर होगा पहला दूसरा और तीसरा। ये कुछ इस तरह का फिगर होगा पहले यहाँ खींचेंगे लाइन फिर यहाँ बीच में करके फिर इसको तीनों को जोड़ देंगे। और चौथे का कोई फिगर नहीं है। चौथा है रिकीज्ड और रूलिंग पॉइंटिंग। ये चार पॉइंटिंग होते हैं टाइप ऑफ पॉइंटिंग यूज होता है। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि पॉइंटिंग टाइप ऑफ पॉइंटिंग कितने होते हैं। पहला होता है फ्लश पॉइंटिंग, तीसरा होता है प्रोट्रूडिंग पॉइंटिंग और रेज्ड एंड कट पॉइंटिंग, तीसरा होता है स्लेंटिंग पॉइंटिंग स्टक एंड वेदर्ड पॉइंटिंग। वेदर्ड का स्पेलिंग है WEATHERED और स्लेंटिंग का स्पेलिंग SLATNTING। और चौथा है रिसीज्ड और रूलिंग पॉइंटिंग। रिसीज का स्पेलिंग है RECEESSED
रिसीज और रूलिंग पॉइंट, ये चार स्टेप, ये चार टाइप हैं पॉइंटिंग के। तो पॉइंट आपको मालूम पड़ गया क्या होता है और टाइप ऑफ पॉइंट, ये दोनों आपको आज मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये आज बताया दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन मेंशन कर दीजिए अगर कोई सिविल रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए। तो थैंक यू।